हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट स्पेस में, जहां हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या कभी आपने सोचा कि एक मिर्ची आपसे आपकी जिंदगी भी छीन सकती है? क्या आपने कभी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो बुलेट प्रूफ होता है? या फिर शॉपिंग मॉल वाले मिरर में आप ज्यादा पतले और खूबसूरत क्यों लगते हो? अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्वीन एंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? अगर नहीं तो सुनिए, नॉर्मल एंट की लाइफ स्पैन होती है 15 साल और वही क्वीन एंट की लाइफ स्पैन होती है 30 साल। सोचिए क्वीन एंट होने के कितने सारे फायदे होते हैं। आपने अब तक कई तरह के महामारी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 1518 में एक डांसिंग एपिडेमिक आया था और इसमें कोई अगर इन्फेक्ट हो जाए तो वो इंसान तब तक डांस करता है जब तक कि वो हार्ट अटैक में मर ना जाए। उस वक्त इससे करीब 400 लोगों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों, फिनलैंड नामक एक देश है जहां पर नेशनल स्लीपी हेड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो भी लास्ट सोकर उठता है उसे उसके परिवार वाले नदी में फेंक देते हैं। ये सुनने के बाद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट में लास्ट लेटर जेड होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लेटर्स में जे लेटर सबसे आखिर में ढूंढा गया था। ये आपके साथ कई बार हुआ होगा कि जब भी आप ब्लू कलर देखते हो तब आपके आंखों को आराम मिलता है, ठंडा महसूस होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब भी आप ब्लू कलर देखते हो तब आपका ब्रेन कामिंग हार्मोन्स रिलीज करता है और आपको ठंडा महसूस होता है, और इसीलिए कई बड़े कंपनीज इस कलर का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि सैमसंग, फेसबुक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्नेक्स ब्लास्ट भी हो सकते हैं? एक्चुअली जब भी वो किसी प्राणी को खाते हैं तो बिना चबाए निगल जाते हैं और उसके बाद उसे डीकम्पोज करते हैं। उसी दौरान उनके पेट में मीथेन और हाइड्रोजन रिलीज होता है और बस उसमें छोटी सी चिंगारी से भी सांप के पेट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। दोस्तों, लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे बड़े और खतरनाक प्राणी हैं और दुनिया की किसी भी कंट्री में ये आपको एक साथ नहीं दिखेगा सिवाय इंडिया के। इंडिया के कई जगह जैसे कि गुजरात या फिर उत्तराखंड में ये एक साथ पाए जाते हैं। आपने अब तक कई बार ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो क्या कभी आपने नोटिस किया कि ट्रेन के डिब्बों में ऐसा एक नंबर होता है, वो किस लिए होता है? इस नंबर में पहले दो अक्षर ये बताते हैं कि ये डिब्बा किस साल में बनाया गया था और आखिरी के 3 नंबर का मतलब होता है कि ये कौन से क्लास का डिब्बा है, AC, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एटसेट्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हानाकोई नाम की एक मछली है जिसकी लाइफ स्पैन 225 साल की होती है, यानी कि इस ब्रीड की हर मछली 225 साल तक जीवित रहती है। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत अजीब लगेगा कि अमेरिका में एक आदमी था जिसका एक फास्ट फूड का दुकान था और इस आदमी ने अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक तरकीब निकाली और मर्डर्स करके इंसानों के डेड बॉडी को वो अपने फूड में डालने लगा। देखते ही देखते उसने 10 मर्डर कर दिया और उसकी फूड की सेल भी बढ़ गई। फिर एक दिन वो पकड़ा गया और उसे 2 मर्डर्स की सज़ा मिली। फिर वो कहने लगा कि ओ हेलो, मैंने 2 नहीं 10 मर्डर किए थे। क्या आप जानते हैं मेक्सिको में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंट के नाम से भी जाना जाता है, जहां आप अगर कोई भी डिवाइस लेकर जाओगे तो वो डिवाइस वहां खराब हो जाएगी, चाहे वो आपकी घड़ी हो या फिर फोन। और यही चीज वहां 1940 से चली आ रही है और साइंटिस्टों को भी अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि शॉपिंग मॉल वाले मिरर में आप इतने खूबसूरत और पतले क्यों दिखते हो? एक्चुअली इसका मेन रीजन है वो मिरर। दोस्तों, ज्यादातर मॉल वाले एक खास मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका वेट 4 किलो तक कम लगता है। बिजनेस करने के लिए ऐसा किया जाता है और इस मिरर का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी होता है।
दोस्तों इस मिर्ची को देखिए, ये इतना ज्यादा तीखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने एक खा लिया तो आपको एनफिलेक्टिक शॉक, एयरवे बर्निंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। और इस घातक मिर्ची का नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ चिली पेपर। दोस्तों क्या आप जानते हैं अर्माडिलो नामक एक प्राणी है जिसका शेल बुलेट प्रूफ होता है? जी हाँ दोस्तों, हुआ यू के अमेरिका के टेक्सस में एक आदमी ने अर्माडिलो पर गोली चलाई। वो गोली अर्माडिलो के शेल पर लग के वापस आकर उस आदमी के जॉ लाइन पे लगा और उसे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। दोस्तों अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सुनने के बाद आपको झटका जरूर लगेगा। क्या है कि एंशिएंट इजिप्ट में लोग टूथएक यानी दांत के दर्द के लिए मरे हुए चूहे का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, जब उन्हें दांत में दर्द होता था तब वो एक मरे हुए चूहे को अपने मुंह के अंदर रखते थे। और ये बात नेथन्स बिलोव्स्की के स्ट्रेंज मेडिसिन अ शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ रियल मेडिसिन प्रैक्टिसेस थ्रू द एज बुक में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट स्पेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।